वाली वो कमला अपनी मारुति कार लेकर के और प्रेम नगर में आ जाती है, और इधर से वो किसान का लड़का, जाट का लड़का मदन अपनी बैलगाड़ी लेकर के जा रहा था। रास्ते में वो कमला उस बैलगाड़ी, क्योंकि मारुति की स्पीड में और बैलगाड़ी की स्पीड में काफी अंतर हो गया, गाड़ी आगे रुक जाती है, तो वो कमला उस जाट के लड़के मदन से क्या कहती है और क्या वो जाट का लड़का मदन जवाब देता है। जो किले कहता मैं गाड़ी, ये गाड़ी बिल्कुल गाड़ी। अच्छा हाँ, कौन सी गाड़ी है ये? हाँ। ये जमींदार के हमदर्द, हम साथी। अच्छा, हम साथी गाड़ी है जमींदार। देखिए हाँ, मुझे जाना है। क्या मुझे ले, जल्दी है, जल्दी है। हाँ। जल्दी है तो साइड लेके चली जा, आए? जल्दी है तो साइड लेके चली जा। नहीं नहीं हाँ, मेरी गाड़ी कौन सा ले है? या मेरी गाड़ी नीचे कौन सा? नहीं चला तो ब्रेक मार के बैठ जाए एक जगह है, नहीं चला तो ब्रेक मार के बैठ जा। ना, ना। ये गाड़ी जमींदार की है, धीरे धीरे चलेगी, इधर से जाएगी। नहीं नहीं हाँ, आप गाड़ी हटाइए। क्या कहना चाहती जरा बोलिए, सुनिए बताइए। सुनिए बताइए। हो गाड़ी अठा कैसे काम आटका। अच्छा हाँ, और अग जान देना छोरा जाटका। अठा कैसे काम आटका, आगे जान देना छोरा जाटका। मन हाल से गना करे क्यों कमाल। अच्छा, मुंबई जाना से फिलहाल मन ख्याल से नदी के घाट का आगे जान देना। गाड़ी अच्छा कैसे काम आटका, आगे जमींदार है मीठे मीठे उस्ताद। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे जाना है। जाना है तो जा। ना ना क्यों, सुन ले एक नंबर की बात कहते। हाँ जी, सुनिए। हाँ। मन जान करी या की मछली तू जोड़ी का में डॉक्टर मैं
ना ठीक नहीं से दंगा तू से पूरी फूस की किसान न समझ पतंगा तू से पूरी फूस की सुनिए हो मैं सुगंगा का नीर ना के शुद्ध हो जाए शरीर मैं सुगंगा का नीर ना के शुद्ध हो जाए शरीर तू पी ले पानी बेहु माट का गंगा नाया करे छोरा जाट का हो गाड़ी हाथा कैसे काम भिवानी से बड़े भाई साहब श्रीमान सतवीर जी जाखड़ अपनी तरफ से 200 रुपए से सम्मान करते हैं और ये ग्राम बूंद से भाई रफीक खान 200 रुपए से सम्मान करते हैं। ग्राम ये ग्राम जोगियान बसई नारायणपुर से सरपंच साहब नीलाराम अपनी तरफ से 200 रुपए से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 900 रुपये पहले और 200 रुपये और श्रीमान सुभाष जी प्रधान जी गुलदासपुर से आज के इस खुशी के माहौल में 1100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे के नाना जी 300 रुपये वापस दे बेटा। सुनिए कहिए तेरे हाथ में साटा सर पे मुंडा सा और डूंगे लगी दराती और आँख में कचड़ी होठ पे सुर्की नाक फिर से इतरा सुनिए कहते हो तेरे हाथ में साटा सर पे मुंडा सा ढूंगे लगी दराती अरे आँख में काजल होठ पे सुर्की लाक फिर से इतरा मैं सुरेश मी सुन लेंदी आती गवार मैं सुखी मिती अनार सुन लेंदी आती गवार मैं सुखी मिती अनार तू तो खार से चने की टाट का चने वाया करे छोरा जाट का कटी हटा के से काम आट का छोरा जाट का छोरा जाट का हो गड्डी हटा किस काम आट का और
उस्ताजो मारी भी सुन लिया करो, हम भी बोले हैं। ये ग्राम धनोरा जिला बागपत यूपी से श्रीमान सुभाष जी राणावत चौधरी साहब अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में काफी सम्मान पहले कर चुके हैं और दोनों के लिए 500-500 रुपये और एक एक ड्रेस। और सम्मान करते हैं श्रीमान सुभाष जी बागपत यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद। सांगरोड ग्रुप से 200 रुपये सम्मान करते हैं। सांग भाई ढोलक और नकारी की आवाज कम कर सांगरोड बिल्कुल कम। सांगरोड ग्रुप से ये भाई बबलू जी चौधरी के साथ में और जो ग्रुप आया है और ये अपने शर्मा साहब 200 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हाँ जी बहुत कुछ कम से कम। देखिए हाँ कहिए, सच्चे मन से पूजा करिए वैसे वीर भवानी। वीर भवानी होती है जी, ये वीर भवानी होती है हाँ। लेकिन हम क्या हैं? क्या है, हमें तो सिर्फ चौधरी समझ रही होगी, जाट समझ रही होगी बिल्कुल, लेकिन हम कहाँ से हैं, कौन हैं? कौन है, सुनिए बोलिए। सच्चे मन से पूजा करिए वैसे वीर भवानी। जिस पे हुई वीर दीवानी, औलाद जाट जिस पे हुई वीर दीवानी। सुन ले होकर जाने का इंतजार होकर ले सीख के कुछ काम लेके नाम गुरु चंद्र भाट का। चंद्र भाट सांगवार जाट का, गाड़ी हटा कैसे काम आटका, आगे जान देना छोरा जाट का। हेलो हेलो।